गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे सब खेल रहे हैं और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन हांडी, जो भाभी के घर में ही बनाऊँगी। मैं अभी भी वहीं हूँ और यहाँ बच्चे सब खेल रहे हैं, देखिए सब बैठे हैं एक जगह। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैं लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और अदरक ली हूँ, और इसमें टमाटर भी लगेगा जो मैं टमाटर भी रखी नहीं हूँ। और इसे पहले अदरक लहसुन और प्याज को और मिर्च को पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैं मिर्च डाल रही हूँ, फिर थोड़ा लहसुन डालूँगी और अदरक के टुकड़े। देखिए यहाँ मैं हांडी ली हूँ, ये देखिए मिट्टी की हांडी है। इसमें चिकन बनाने से बहुत टेस्टी बनता है, मेरे पास भी है। और ये हंडी है, कम से कम इसमें दो किलो करीब तो चिकन बन ही जाता है। और यहाँ चिकन है, यहाँ मैं इसको मैरिनेट करूँगी। और ये बाकी का सामान है, प्याज, लहसुन और टमाटर। और ये कुछ मैंने ग्राइंड कर लिए, प्याज, लहसुन और टमाटर और अदरक। और ये मसाले हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ये सब लगेंगे मुझे। देखिए हंडी मेरी गरम हो गई है, इसमें तेज पत्ता डाल दिया है और अब इसमें जीरा भी डाल दी हूँ मैं। और मैं इसमें प्याज डालूँगी, तेल गरम हो रहा है, देखिए तेल थोड़ा सा और लगेगा। मैंने इसमें अब इसमें प्याज डाल देंगे थोड़ा तेल गरम होने के बाद। देखिए मैं प्याज डाल दे रही हूँ और इसमें फिर मैं फिर इसको फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं जो पेस्ट बना है उसे डालूँगी, और लहसुन मैंने खड़ी चिकन में डालूँगी जब मैरिनेट करूँगी मैं। और टमाटर चिकन हांडी भाभी के घर में, जहाँ मैं आई हूँ जेठानी के घर में। यहाँ मेरा प्याज अभी हो रहा है और अभी ये बन रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यम्मी चिकन। इसका खाना बहुत टेस्टी होता है हंडी में। ये मेरी प्याज भुन रही है, इसमें अगर आप भी परचेस करना चाहते परचेस कर सकते हैं। अब मैं इसमें बाकी का मसाले डालूंगी। ये देखिए सारे सामान मैंने एक जगह ही रख दिया है, और सिलबट्टे में मैं गरम मसाला और जीरा पीसूंगी, थोड़ा जीरा को भून के। और चिकन अभी मैरिनेट करूँगी। तो ये देखिए मेरी चिकन, उसको मैंने अच्छे से धो के, इसकी जो गंदगी होती है वो भी निकाल के अच्छे से धो के इसको अब मैरिनेट करेंगे। अब इसमें हंडी में मैं पेस्ट डालूँगी और आधा पेस्ट मैं चिकन में डालूँगी मैरिनेट करते समय। ये देखिए मैं सारा मतलब 4-5 चम्मच तो मैं पेस्ट डाल ही दूँगी जितना भी मैं बनाई, और थोड़ा सा मैं उसमें डालूँगी चिकन मैरिनेट करते टाइम। ये देखिए और इसका स्वाद इतना अच्छा लगता है ना, मतलब ये अलग ही लगता है जो कढ़ाई में बनाते हैं उससे बहुत अलग ही टेस्ट लगता है, एकदम देसी स्टाइल में। और इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है, क्योंकि हंडी में बनाना एक अलग ही वो हो जाता है, मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। मिट्टी के बर्तन में पहले के ज़माने के लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, बनाते थे, और गाँव में अभी भी ये रीति चलती है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे और फिर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, आपको जितना क्वांटिटी लगना है उतने ही डालें। मैं यहाँ थोड़ा कम कम डाल रही हूँ, क्योंकि एक एक चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मैरिनेट करते टाइम भी डालना है इसीलिए। और ये लोग थोड़ा मिर्च कम खाते तो मिर्च कम ही डालूँगी मैं। ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये देखिए। और इसे फिर मैं अच्छे से भूनूंगी, फिर चिकन डालूंगी, चिकन को भी अच्छे से भूनूंगी। ये खड़ी मसाला है, गरम मसाला, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगी और थोड़ा सा पीसूंगी मैं। तो इसका स्वाद कुछ अलग है, जो मैं सिलबट्टे में पीस के बनाऊंगी उस तो औसम लगता है दोस्तों। अगर हो सके तो आप भी हमेशा, मतलब जब घर में जल्दी ना हो तो आप सिलबट्टे में ही पीस के बनाएं, ना तो फिर आप खड़े मसाले भी ले सकते हैं जो दुकान में आते हैं। अब मैं यहाँ मैरिनेट करूँगी, इसमें मैं लहसुन डाल दी हूँ चिकन में, और लहसुन अदरक का पेस्ट बना जो बना था वो डाली हूँ, नमक डाली हूँ, मिर्च डाली हूँ। अब इसे ऐसे मिक्स करूँगी, ये देखिए मिर्च
वो लाल कश्मीरी लाल मिर्च था, और ये मैं मिर्च डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ। मैंने बोला था ना कि मैंने उसमें भी आधा डाला है अंडी में, और इसमें आधा डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ना हो, अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए। और इसको फिर मैं अच्छे से मैरिनेट करूँगी ताकि जो नमक है वो अच्छे से मसाले वो हो जाए, उसमें चला जाए, चिकन में अंदर अंदर तक चला जाए। मैं कुछ जीरा को भून ली हूँ और गरम मसाला रख के मैं इसको पीसूँगी, इसी में ही लास्ट में दूँगी ये चीज़ जो मतलब क्या बोलते हैं, जो मैं ये मसाला बनाऊँगी उसको मैं लास्ट में दूँगी, अभी नहीं। तो उसको मैं रख दी हूँ, अभी ये मैरिनेट करने के लिए रेडी हो गया। इसमें मैं सरसों का भी तेल डाल दी हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को भी कोई चिकन की रेसिपी का जाननी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें डाल दी हूँ चिकन को मैरिनेट करके। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, फिर उसके बाद पानी डालूंगी। यहाँ भाभी बेड सेट कर रही है, यहाँ अम्बू पढ़ाई कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। तो यही रहा दिन भर में, और हम थोड़ी देर बाद भाभी बोली है कि खाना वाना खा के फिर बच्चों को सुला के हम मार्केट जाएंगे, उनको कुछ काम है तो जाना पड़ेगा, और यहाँ सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं। तो फिर मेरी चिकन देखिए बन गई है, लगभग बनी गई है। अगर इसमें पानी कम डालो तो और टेस्टी बनता है, बट हमको इतने लोगों के लिए बनाना है इसलिए पानी हम ज़्यादा ही डालेंगे। यहाँ मैं दाल भी बना रही हूँ, ये है मूंग दाल खड़ी वाली, और ये देखिए मैंने मसाला पीस लिया है। देखिए इसको मैं लास्ट में डालूँगी मसाले को। यहाँ भैया इन लोगों को लेके खेल रहे हैं, ये बच्चे घर के अंदर नहीं जा रहे थे, खेलेंगे बाहर, तो यहाँ ये गाड़ी में बैठ के खेल रहे हैं। यहाँ भाभी पोछा लगाने वाली है अपने रूम में, उनके यहाँ मैट नहीं है तो वो खुद ही करती सारे काम। अब हम बाहर जा रहे हैं, हमारा ये दोपहर का टाइम है, कम से कम 3-4 बजे का टाइम है। हम बच्चों को सुला के अब थोड़ा सा जाना है काम से, और शाम को हम थोड़ा सा खाने भी निकलेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही बाहर खाने पीने निकलेंगे। तब जा पा रहे हैं, अभी हम हैं कहाँ पर, सीआर पर के मेन लोकेशन में है, चार नंबर मार्केट जा रहे हैं, सीआर पार्क के 4 नंबर मार्केट। यहाँ पर नवरात्रि बहुत अच्छे से होती है, जब नवरात्रि आएगी तब होगी। ये कौन सा मार्केट था? ये है 4 नंबर मार्केट। यहाँ पे अच्छे अच्छे टाइप के शूज है, ये है रिलैक्सो का शोरूम। ये हमें पसंद का नहीं समझ आया, अब हम जा रहे हैं। तो अभी हम दूसरे शॉप में जा रहे हैं, हमें इधर समझ नहीं आया भाभी को, तो देखते हैं कहीं और जाके लेना पड़ेगा। कौन से में जाएंगे? यहाँ भी एक एक्सपोर्ट हाट है, ये यहाँ पे हमको कुछ लेना नहीं था, हमको गॉगल्स कुछ लेना था तो हम वहाँ गए थे। तो वहाँ इतनी वहाँ भी मतलब दूसरे को वो अटेंड कर रहा था शॉपकीपर, तो हम फिर वहाँ से निकल के हमें फ़ोन आ गया था घर से कि बच्चे उठ गए हैं, तो हम चले गए। और दोस्तों मैं कुछ वहाँ गई थी, मैं बस पूजा के हिसाब से ही सीआर पार्क गई थी, तो मैंने कोई कपड़े नहीं ले गए, बस एक ही कपड़ा लेके गई थी, उसी को ही पहन के घूमी हूँ क्योंकि मेरे पास अब था ही नहीं, तो इसीलिए मैं इसी कपड़े में ही नज़र आऊँगी। जब हमने कुछ नहीं ले पाए, हम जा रहे हैं, घर से फ़ोन आ गया है, बच्चे लोग उठ गए हैं तो अब घर जा रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। चल, यहाँ मेरी जेठानी रास्ते में फिर से रोक दी, बोलती 2 मिनट वेट कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, जब स्लीपर देख लेते हैं। हम तो बाटा के शोरूम में फिर घुस गए और हमें एक स्लीपर पसंद भी आ गई, तो हम वो ले लिए। और बाकी उतना
हमारे पास टाइम नहीं था, घर भी जाना था तो टेंशन हो रही थी। और वो बार मतलब वो शॉपकीपर वाला चेंज करने गया था, उसको साइज़ का मिला नहीं था। भाभी को चाहिए था 8, वो दिया था 9, तो वो एक्सचेंज करने के लिए गया था, तो हम थोड़ा वेट कर रहे थे। तो हम घर आ चुके हैं और ये लेके आए हैं शूज स्लीपर, और अब जा रहे घर के अंदर। मैडम जी चप्पल इधर ही उतार देना, पर उतारने बोल रही है मुझे, मुझे तो नींद आ रही है बहुत। चलिए अभी दिखाते हैं अंदर का सीन, बच्चे क्या कर रहे हैं। टीटो यहाँ उठ के बैठ गया है, जान भी बहुत रो रही थी, टीटो ने आज रोया नहीं। और यहाँ मासी सास है, वो बोल रही है कि वो बहुत रो रही थी। तो ये देखिए लोग इतनी जल्दी उठ जाते हैं, सोते नहीं है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मतलब यहीं पर जा रहे हैं, कुछ खाने पीने जा रहे हैं, और वहाँ पे हम मोमोज खाने जा रहे हैं। बच्चे भी जा रहे हैं अभी साथ में, उन्हें भी थोड़ा घुमा लेते हैं। तो जा रहे हैं मोमोज खाने, आप लोगों को दिखाएंगे कैसा। ये हम खाने पीने की जगह में आ चुके हैं, ये है 2 1 नंबर मार्केट या 2 नंबर मार्केट, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं। और यहाँ एक से एक वैरायटी के वो मिलते हैं खाने का, स्नैक्स का, यहाँ कुछ खरीदने को भी आइटम मिलते हैं। यहाँ थोड़े से स्टोर में बंगाली चीज़ भी मिलते हैं, सामान आपको अगर चाहिए, कोई बंगाली हो तो आपका कुछ चाहिए तो आप जा सकते। ये है मोमोज, यहाँ मोमोज खाने वाले हैं, गर्मा गर्म मोमोज। यहाँ हम वेट कर रहे हैं, यहाँ लाइन से चौपाटी है, यहाँ चौपाटी में सारे टाइप की चीज़ मिलते हैं खाने को। और दोस्तों प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरी वीडियो सारी वीडियो मिलती रहे आप लोगों को। और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए, mili.id89 करके है। और यहाँ मोमोज खा रही है, यम्मी यम्मी, गरम गरम, ठंड में गरम गरम मोमोज खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। और यहाँ हम कुछ शॉपिंग किए हैं, ये पैजामा है घर पहनने के, गरम गरम करते हैं ये ठंड के हैं। और मैंने बस एक लिया और एक टी शर्ट लिया है, भाभी ने एक पैजामी लिया है और उनने एक भी टी शर्ट लिया है। और यहाँ बैलून है, यहाँ बच्चे बहुत तंग कर रहे थे कि नहीं हमें ये चाहिए चाहिए, तो हम उनको दिला दिए। और यही हम थोड़ा सा घूमे फिरे, खाए वाए, फिर हम पानी पूरी भी खाए हैं। और फिर हम टीटो बहुत तंग कर रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था, तो मैं एक जगह बैठ गई, मेरे पैर में दर्द हो रहा था। और भाभी ने रोल पैक करने के लिए गई थी, तो मैं टीटो का ख्याल रख रही थी, देख रही थी वो कहाँ जा रहा है, वो एक शॉप में घुस गया था। और ये है रोल, और ये रोल बना रही है, इसको शायद शोरमा बोलते हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, खाने में है बट पता नहीं नाम क्या है। यहाँ बच्चे दौड़ रहे हैं, अब हम घर जाने वाले हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं बातों को, बदमाशी कर रहा है। बस भाभी ये बना रही है, फिर हम निकल रहे, चलो भाई, ये लोग बहुत बदमाशी कर रहे हैं, चलो। ये दूसरे दिन के सुबह का टाइम है, मैं घर जा रही हूँ, ऑटो उबर ऑटो करके जा रही हूँ, क्योंकि कैब मैंने नहीं लिया, उसमें मुझे थोड़ी वोमिटिंग होती है। और टीटो को भी, टीटो सोने वाला है, वो सो जा रहा है, और मैं यहाँ रास्ते में ही हूँ घर। हाय गाइस, मैं अभी आ गई हूँ सीआरपार से, और मेरा घर के पूरी पूरी मतलब इतना इतना गंदे तरीके से करके रखे हैं इनने, कुछ की पूरा सामान मेरा ऐसा ही पड़ा जैसे मैं कितने दिनों के लिए गई हूँ। किचन का भी वही हाल है, पूरे 2 दिन के लिए। अरे रोया जा रहा है, वहां से लेके आ गई तो देखिए दोस्तों सामान पूरा बिखरा, पूरा ऐसे मतलब तहस नहस करके रखे हैं घर को। और अभी मैं सब समेटूंगी, अभी सारे काम बचे हैं, खाना भी बनाना है। मैं अभी आई हूँ, अभी बज रहे 12 12 या 1 बज रहा होगा, तो मैं आप लोग